हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबका फिर से एक बार शर्मदा किचन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कटहल की स्टू रेसिपी। ये एक बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी है। कटहल की सब्जी तो सबको पसंद आती है, पर अगर किसी को कटहल की सब्जी ना पसंद हो तो उन्हें ये कटहल का स्टू का टेस्ट ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि ये खड़े मसालों के साथ बनाए जाते हैं। कटहल की सब्जी तो आपने बहुत खाई होगी, मगर हर बार एक रंग के खा कर बोर हो जाते हैं। तो आज हम एक नए ढंग से कटहल की सब्जी बनाएंगे, जो बनाने में भी आसान है और खाने में टेस्टी और कम समय में झटपट बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कटहल की स्टू बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 kg का एक कटहल ले लिया है और अब हम इसे कट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे सेंटर से 2 कट में काट लेते हैं और अब हम इसे लंबे लंबे पीसेस में कट कर लेंगे और उसके बाद हम इसे छीलेंगे। और अब हम चाकू की मदद से इसके ऊपर के पार्ट को छील कर निकाल लेते हैं। और अब हमारा जो बीज का पार्ट है वो हम कट करके निकाल देंगे और इसी तरह हम बाकी कटहल को छीलकर तैयार कर लेते हैं। और ये हमने सारे कटहल को छीलकर इसके बीच के पार्ट को निकाल दिया है और अब हम इसे जिस पीसेस में हमें कटहल की स्टू चाहिए उस पीसेस में कटहल को कट कर लेते हैं। और ये देखिए, हमारे सारे कटहल कट चुके हैं और ये हाथ में कटहल कटने की वजह से चिपचिप हो गया है। तो अब हम इसे सरसों के तेल डालकर और हाथ को साफ कर लेंगे। सरसों के तेल से चिपचिप सारा निकल जाता है और हाथ बिल्कुल साफ़ हो जाता है और हम एक साफ कपड़े से हाथ को पोंछ लेंगे। और ये आप देख सकते हो, हाथ बिल्कुल साफ़ हो गया है, इसका सारा जो चिपचिप था वो निकल गया है। तो चलिए अब हम आगे की प्रोसेस करते हैं। हमने यहाँ पे 750 ग्राम प्याज लिए हैं और अब हम इसे कट कर लेंगे। साथ ही हमने यहाँ पे कुछ आलू भी लिए हैं और इसे हम कट कर ले रहे हैं। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं। और स्टोव बनाने से पहले हम मसाले तैयार कर लेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे 2 लहसुन, 30 पत्ते, 1 चम्मच जीरा, 10 से 12 लाल मिर्च, 3 इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और अदरक। इसे हम अभी साइड में रख देते हैं। सारा तैयारी हो चुका है, तो अब चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने एक बर्तन ले लिया है और अब हम इसमें तेल गरम करेंगे। तेल हमारा गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा और 30 पत्ते डालेंगे और इसे चटकने देंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। हमने जितना प्याज कट किया था 750 ग्राम, उसका आधा प्याज हम अभी इसमें डाल देंगे और आधा रख देंगे। और अब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। और ये आप देख सकते हो कि हमारा जो प्याज है वो भून चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन हल्दी का पेस्ट डालेंगे और साथ ही हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और इसे भूनेंगे। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि ये तेल ना छोड़ दे। और ये आप देख सकते हो कि हमारे मसाले काफ़ी चिपक रहे हैं नीचे, तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे छुड़ा लेते हैं। और हमारा मसाला ऑलमोस्ट रेडी ही है, तो बट हम इसे 1 मिनट और पका लेंगे। और ये आप देख सकते हो कि हमारा मसाला तेल छोड़ दिया है, इट्स कि हमारा मसाला भुन चुका है अच्छी तरह से। तो हमने जो आलू के स्लाइसेस करके डाले थे वो और जो हमने कटहल कट करके रखा था वो सब हम डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मसालों में हम मिक्स कर देंगे। हमने जो आधे प्याज बचा के रखे थे उस प्याज को अब हम इसमें डाल देंगे और साथ ही हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छी तरह हम मसालों में मिक्स कर देंगे।
आपस में ये मिल चुके अच्छी तरह से। तो अब हम इसमें थोड़ा सा सरसों तेल डालेंगे, लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और इसे वापस से अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और साथ ही हमने जो मसाले निकाल के रखे थे साइड में, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब हम सारे मसालों को एकदम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि मसाले आपस में बिल्कुल अच्छी तरह मिल जाए। और अब हमें इसमें पानी ऐड करना है, तो हम इसमें पानी ऐड करते मतलब जितना कटहल के डूबने तक हम इसमें पानी डालेंगे। और अब हम इसे ढककर कम आंच पर, जब तक कि हमारा कटहल पक नहीं जाता अच्छी तरह से, तब तक हम इसे पकने देंगे। और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे चिपक ना जाए। तो अभी बहुत टाइम है, भी हमारा कटहल पका भी नहीं है और ग्रेवी आप देख सकते हो काफ़ी पतला है। हम इसे कुकर में भी बना सकते हैं मगर कुकर में ये टेस्ट नहीं आता है। तो चलिए अब हम इसे ढककर पकने देते हैं। काफ़ी देर हो चुका है और काफ़ी टेस्टी स्मेल आ रहा है इसका, और लग रहा है ये हमारा कटहल का स्टोव पे रेडी हो चुका है। तो चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कटहल पक गया है या नहीं। तो ये आप देख सकते हो कि हमारा जो कटहल है बिल्कुल अच्छी तरह पक गया है। इसका मतलब कि हमारा जो कटहल का स्टोव है बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो हम इसका फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको सर्व करते हैं। आप देख सकते हो देखने में कितना ज़्यादा यम्मी दिख रहा है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे चावल रोटी किसी के भी साथ सर्व कर सकती है, सबके साथ बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे लंच डिनर कभी भी खा सकते हैं। तो ये रहा हमारा कटहल का स्टोव और मैं इसे चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। तो ये हमारा कटहल का स्टोव बनकर तैयार है। तो आप भी अपने घर पे इसे एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये आपको भी बहुत अच्छी लगेगी, तो आप भी अपने घर पे इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारे न्यू अपडेट्स आप तक पहुँच पाए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ।